बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बोर्ड से 11वीं जमात का उर्दू का पेपर देने वाले तुलाबा के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उर्दू का पेपर इंतहाई आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं, और उसका तरीक़ेकार क्या होगा और कौन से मुतवक्का सवाल इस साल आपके इम्तिहान में आ सकते हैं, उस हवाले से तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। 11वीं जमात का जो 2024 का कराची बोर्ड का मुतवक्का पेपर है, वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, जिसके 20 नंबर होते हैं। उसके बाद हिस्सा बे शुरू होता है, जिसमें चार सवालात होते हैं 10-10 नंबर के। पहला सवाल अशार की तशरीहात का होता है, जो 10 नंबर का होता है। दूसरा सवाल एक इक्तिबास की तशरीह का होता है, जो 10 नंबर का होता है। उसके बाद नज़्म का मरकज़ी ख्याल या नज़्म के बंद की तशरीह पूछी जाती है, वो सवाल भी 10 नंबर का होता है। चौथा सवाल सबक का खुलासा या पांच सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होता है, ये सवाल भी 10 नंबर का होता है। उसके बाद हिस्सा जीम शुरू होता है। हिस्सा जीम दो तफसीली सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल होता है। पहला सवाल शायर पर तबसरा होता है, जो 20 नंबर का होता है, जबकि अगला सवाल नसर निगार पर तबसरा या मजमून पर मुश्तमिल होता है, ये सवाल ऑप्शनल होता है, ये सवाल भी 20 नंबर का होता है। यूँ कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो ये तो मुख्तसरन आपके सामने पेपर के जो सवालात हैं वो रखे गए हैं। अब कौन से ऑप्शंस या कौन से चीज़ों की तैयारी से आप अपने इम्तिहान की तैयारी बा आसानी कर सकते हैं, उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। देखिए, हिस्सा अलिफ में जो कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है, इस सवाल में 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज हिस्सा नसर और 10 हिस्सा नज़्म से दिए जाते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए फहरिस्ते किताब यानी किताब की जो फहरिस्त है उसको ख़ास तौर पर आपको देखना है कि किस शायर या किस नसर निगार की कौन सी तख्लीक निसाब में शामिल है, यानी किस मजमून निगार का मजमून या अफसाना या ड्रामा या कौन सी तख्लीक उनकी निसाब में शामिल है और वो किस किताब से ली गई है। मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून कौमी इत्तिफाक निसाब में शामिल है और उनकी किताब मकालाते सर सैयद से लिया गया है। तो आपको न सिर्फ मजमून निगार का नाम, मजमून का नाम, बल्कि उस किताब का नाम भी याद करना होगा जिस किताब से वो सबक लिया गया है। इसके अलावा आपको तमाम निसाब में शामिल शायर व नसर निगार के असल नाम, जाए पैदाइश व वफात, अलकाबात, इनफरादियत और वजह शोहरत को भी देखना होगा। इसके अलावा शेरी इत्तिलाहात और शेरी महासिन के हवाले से भी सवालात आ सकते हैं। शायर व नसर निगार के असल नामों के हवाले से भी आपको याद होना चाहिए, जैसे जोशमली आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान है, हसरत मोहानी का असल नाम ख्वाजा फजलुल हसन है, और इसी तरह उनकी वजह शोहरत में मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ के शायर या उर्दू के सबसे बड़े सूफी शायर माने जाते हैं। इसके अलावा शेरी इस्तिलाहात यानी मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ और शेरी महासिन में तजाद, तशबीह, इस्तियारा वगैरह की तारीफों के हवाले से सवाल भी पूछा जा सकता है। कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाले से अगर ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए तो ये सवाल आपका बआसानी हल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल हिस्सा बे से शुरू होता है। हिस्सा बे में जो पहला सवाल होता है वो शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ दो अशार की तशरीहात पूछी जाती हैं, ये सवाल 10 नंबर का होता है। इस सवाल के लिए शामिल निसाब गजलियात में से पांच शोरा का एक एक खेर दिया जाएगा। इस सवाल की तैयारी के लिए आपको कम अज़ कम तीन शायरों की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, उनमें ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब शामिल हैं। अगर आपने ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब के दोनों गज़लें की तशरीहात अच्छी तरह देख ली हैं तो आप यकीन रखें कि ये सवाल आप बआसानी हल कर लेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सबक और मुसन्निफ़ के हवाले के साथ इकतिबास की तशरीह, ये सवाल भी 10 नंबर का होता है। इस सवाल के जवाब के हवाले से निसाब में से दो या तीन इकतिबास दिए जाते हैं।
इस सवाल की तैयारी के लिए भी अगर आप 3 असबाब के इक्तिबासात की तैयारी कर लें तो ये सवाल भी बआसानी हल हो सकता है। उसके लिए पहला सबक कौमी इत्तिफाक, जिसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान हैं, और दूसरा सबक ज़ुबान गोया, जिसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जबकि तीसरा जो सबक है वो गालिब और इकबाल का ख़त है। इकबाल और गालिब का ख़त भी निसाब में शामिल हैं। अगर उनके इक्तिबासात की तैयारी भी कर ली जाए तो ये इक्तिबास की तशरीह वाला सवाल बआसानी हल हो जाएगा। इन 3 असबाक में से एक इक्तिबास निसाब इम्तिहान में ज़रूर आ जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है नज़्म के हवाले और शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ नज़्म का मरकज़ी ख्याल। ये सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इस सवाल के लिए शामिल निसाब नज़्मों में से 3 दी जाती हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए अगर आप 3 नज़्मों की तैयारी कर लें तो ज़रूर आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा। रहे नाम अल्लाह का नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म चुपकी दाद और अल्लामा इकबाल की नज़्म मर्द मोमिन, ये 3 अहम नज़्में हैं। अगर इन 3 नज़्मों की तैयारी कर ली जाए तो ये सवाल बआसानी हल हो सकता है। ये सवाल ऑप्शनल होता है। इस सवाल में नज़्मों के मरकजी ख्याल के साथ साथ किसी भी एक नज़्म का एक बंद या जुज़ दिया जाता है, जिसकी तशरीह पूछी जाती है। ये ऑप्शनल यानी अख्तियारी सवाल होता है। मेरा मशवरा है कि आप नज़्म का मरकजी ख्याल याद करें, क्योंकि इन 3 नज़्मों में से एक मरकजी ख्याल ज़रूर इम्तिहान में आ जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मुसन्निफ़ के मुख्तसर तारुफ़ के साथ सबक का खुलासा या 5 सवालात के जवाबात। ये सवाल भी ऑप्शनल होता है। 10 नंबर का पहले खुलासा पूछा जाता है। खुलासे के लिए 3 असबाब के नाम दिए जाते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए 3 या 4 असबाब के खुलासे ज़रूर याद कीजिए। जेवर का डब्बा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना निसाब में शामिल है। इसके अलावा अहमद नदीम कासमी का अफसाना बाबा नूर, गुलाम रब्बानी आगरो का अफसाना आबे हयात, और इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा बेगम की बिल्ली, ये 4 अहम असबाक हैं जिनके खुलासे पूछे जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर आप 4 की बजाय इब्तदाई 3 अफसानों की तैयारी भी कर लेते हैं तो ये सवाल इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। ये सवाल इख्तियारी होता है, ऑप्शनल होता है। खुलासा अगर आप याद नहीं करते तो निसाब में शामिल जो मशकें हैं उनमें से 8 सवालात दिए जाते हैं, इनमें से 5 के जवाबात देना होते हैं। आप कोशिश करें कि असबाक के खुलासे याद कर लें, क्योंकि 3 अगर खुलासे भी आप याद कर लेते हैं तो उसमें से कोई एक खुलासा ज़रूर इम्तिहान में आ जाएगा। अगला सवाल सवाल हिस्सा देखिए, जीम जिम शुरू हो जाता है। हिस्सा जीम का जो पहला सवाल है वो शायर की शायराना खसूसियात पूछी जाती हैं। ये सवाल 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इस सवाल में शामिल निसाब शोरा में से 3 शायरों के नाम दिए जाते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए अगर आप 3 शायरों की तैयारी कर लें तो ये सवाल बआसानी हल हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब। अगर आप इन 3 शायरों की शायराना खसूसियात याद कर लें तो ये सवाल इंतहाई आसानी से आप हल कर सकेंगे। इस सवाल में ख्याल रहे कि शायर की खसूसियात के साथ साथ उनसे मुतालिक शेर भी दर्ज किया जाए। अगर किसी शायर की कोई खसूसियत आप बयान कर रहे हैं तो उस खसूसियत से मुतालिक शेर ही अगर दर्ज किया जाए तो आपका सवाल ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छे नंबरों का मुस्तहिक करार पाता है। अगला सवाल आखिरी सवाल है हिस्सा जीम का। सवाल नंबर 7 होता है, नसर निगार की नसरी खसूसियात तहरीर कीजिए। 20 नंबर का सवाल होता है। इसमें भी शामिल निसाब मुसन्निफीन में से 3 के नाम दिए जाते हैं। इस सवाल की तैयारी के लिए भी अगर 3 मुसन्निफीन की तैयारी कर लीजिए तो ये सवाल भी बआसानी हल हो सकता है। पहले मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान हैं, दूसरे ख्वाजा हसन निज़ामी और तीसरे अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये सवाल में भी याद रहे कि नसर निगार की खसूसियात के साथ उनसे मुतलिक इक्तिबासात भी दर्ज करने हैं। अगर किसी नसर निगार की कोई खसूसियत बयान कर रहे हैं तो उस खसूसियत से मुतलिका अगर इक्तिबास भी आप लिख दें तो आपका सवाल ज़्यादा बेहतर और पुर असर हो जाएगा। ये सवाल भी अख्तियारी यानी ऑप्शनल है। नसर निगार की खसूसियात के साथ मजमून भी पूछा जा सकता है, मजमून किसी भी मौजू पर पूछा जा सकता है। इसलिए मशवरा ये है कि आप नसर निगारों की तैयारी करें। अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हमने 11वीं जमात के कराची बोर्ड के मुतवक्का पेपर के हवाले से आपको तफसीलात शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस पेपर की तैयारी कर ली तो ये पेपर आपका 100% आसानी के साथ हल हो जाएगा।
बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और इन तमाम सवालात जो गेस्ट पेपर में आपके सामने रखे गए हैं, इन सवालात के जवाबात भी आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया।